Hey guys, I guess so. So, Seeker Sword में आज इस नए ब्लॉग में दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लिट्टी चोखा लवर्स के लिए जो कि लिट्टी खाना पसंद करते हैं। और आज यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे बन रहा है लिट्टी, और चलिए आपको रूबरू कराते हैं अच्छे से हमारी लिट्टी चोखा से। तो चलिए देखिए। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारी मौसी जी लिट्टी पका रही है, वो भी गोइठे की आँच में। और यहाँ पे कुछ लिट्टी है जो कि अभी आँच में जाने के लिए रेडी है, और यहाँ देख सकते हैं हमारी मौसी जी लिट्टी को आँच में धर रही है। सो दोस्तों जब तक लिट्टी यहाँ पे पके तैयार होती है तब तक मैं आपको इसकी चोखा और घी दिखा देता हूँ। तो चलिए किचन में। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फाइनल अपने किचन में, और यहाँ रखा हुआ है अपना चोखा लिट्टी का, और यहाँ पर है अपना घी जो कि अभी जाएगी पिघलने के लिए आग में। सो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो हमारी लिट्टी ऑलमोस्ट पक चुकी है ये वाली, और ये वाली जो है ये पूरी की पूरी पक चुकी है जो कि अब उस वाले प्याले में जाएगा। सो दोस्तों ये जो हम लोग प्याले में देख रहे हैं लिट्टी, ये चल जाएगी किचन में जहाँ पे कि इसे अच्छे से वो भी एक साफ तौलिए से साफ किया जाएगा, हमारी साफ हो जाएगी, खाने में भी ठीक लगेगी, हाइजीनिक रहेगी। तो चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों जो लिट्टी वहां से यहाँ आई है उससे हम लोग अब लेके जा रहे हैं अपने किचन में। तो चलिए आपसे मिलते हैं किचन के। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमने ले आया है लिट्टी किचन के अंदर, और यहाँ पे हम रख देते हैं इसे, और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इसी तौलिया से हम लोग साफ करेंगे लिट्टी को अच्छे से, और बाद में ये उस वाले बड़े से कटोरे में चला जाएगा। सो दोस्तों यहाँ जैसे कि आप लोग गैस में देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो घी थी जो कुछ देर पहले जमी हुई थी इस बार इससे मम्मी ने पिघला दिया अच्छे से इसे आँच में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सो दोस्तों हमारे जो है लिट्टी का जो आखिरी खेपा था वो भी अब जाने वाला है किचन में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अब चला जाएगा किचन में। सो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लिट्टी है, घी है, वहाँ चोखा है, और यहाँ पे अभी मौसी देख सकते हो लिट्टी को डाल रही है यहाँ तौलिए में ताकि इसे साफ कर सके। तो देखिए कैसे साफ होती है ये। सो दोस्तों हमारी जो लिट्टी है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो जो कि इसमें से कोयले की जो यार डस्ट थे, कोयला नहीं एक्चुअली गोइठा जो यार डस्ट है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। और इससे पहले वाली लिट्टी को आप देख सकते हो, और वो वाली लिट्टी देख सकते हो कि पूरा जो है एकदम कलर का डिफरेंस, पूरा एकदम गजब का कलर का डिफरेंस आ रहा है, एकदम एक काली है तो एक सादी है जैसे आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं हम मौसी जी ने उठा ली एक लिट्टी जो कि अब जाएगी घी, घी में जो कि पिघला हुआ घी है उसमें अभी जाएगी नहाने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नहा रही है
जिससे कि इसमें एक अलग सा स्वाद भी आ जाता है। सो दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो हमारी लिट्टी है, चोखा और अचार है, वो तीनों के तीनों सर्व हो चुकी है। जो कि लिट्टी है वो वही लिट्टी है जो कि घी में डिप की गई थी, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सर्व हो चुकी है। सो दोस्तों, अब जो ये लिट्टी है ये हमारे लिए सर्व की जा रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ चोखा है, यहाँ हमने लिए चार लिट्टी, और अब इसके बाद हम लेने वाले हैं अचार, जो कि आम का अचार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। होप कि आप लोगों ने इससे पहले भी सर्विंग में देखी होगी, मैंने आपको दिखाया था अच्छे से।